गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ साइबर सिटी में गुरुग्राम। आज से पहले मैंने आपको दिल्ली एनसीआर के काफ़ी सारे प्लेसेस दिखा, लेकिन आज मैं आ गया हूँ गुरुग्राम के साइबर सिटी में। और मैं आपको इस सिटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक बिल्डिंग दिखाऊंगा, यहाँ के कैफे रेस्टोरेंट सब चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। एंट्री मैंने मान ली है साइबर हब में। दोस्तों, जो साइबर सिटी की और साइबर हब की जो लोकेशन है वो है दोस्तों सेक्टर 24 फेज 2 गुरुग्राम। दोस्तों अभी जहाँ पर हूँ वो है फेज 1 मेट्रो स्टेशन। वो देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर पे से, और मैं आपको फेज 1 का ब्रिज दिखाने वाला हूँ। सामने जो है मेरे वो है मेट्रो लाइन, देख सकते हैं सामने मेट्रो लाइन है। और ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये है कमर्शियल बिल्डिंग्स एरिया, देख सकते हैं दोस्तों। सामने मेरे वर्ल्ड मार्क पड़ता है, इंस्टा 360, अमेरिकन एक्सप्रेस, काफ़ी सारी कंपनी, और DLF यहाँ पे पड़ता है। DLF अब जो है वो आ गए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं DLF की। और मैं आपको बता दूँ जो ये आपको काफ़ी सारी कमर्शियल एरिया बिल्डिंग देख सकते हैं, ये जितनी भी है ये कोई मॉल्स नहीं है, ये कमर्शियल एरिया बिल्डिंग से दोस्त। और आप ये देख सकते हैं जिस ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ इस वक्त, इसे कितना ग्रीनरी एरिया को कवर कर रखा है दोस्तों। तो चारों तरफ आप देख सकते हैं मेरे बिल्डिंग से। और मैं आपका भाई जैद आ चुका हूँ आज गुरुग्राम में, देख सकते हैं। और कुछ ही देर बाद मैं आपको साइबर हब लेके जाऊँगा, वहाँ के कैफे और रेस्टोरेंट से रूबरू कराऊँगा। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। और देखिए आप यहाँ व्यू इतना बेहतरीन है, क्या पूछिए मत। सामने जो है वो DLF है, PVRNX है, और यहाँ पे DLF की दूसरी बिल्डिंग्स है। और इस साइड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी कमर्शियल एरिया, और चारों तरफ आपके सोसाइटी ही सोसाइटी दिखेगी। आप देख सकते हैं भाई साहब बिल्कुल। और मौसम के बारे में पूछो ही मत, वहाँ पे WeWork वाली कंपनी, वो एक और DLF है, वो साइबर सिटी है, वो साइबर हब है, और वहाँ पर है सोसाइटी दोस्तों, देख सकते हैं। और जहाँ से मैं चढ़ा था वो थी वो वाली लोकेशन, और यहाँ पर एक और लोकेशन आ जाती है नीचे, देख सकते हैं दोस्त। सो देख सकते हैं भाई साहब क्या लोकेशन है, इसके बारे में तो कुछ पूछिए मत दोस्तों। और मैं इस वक्त हूँ अभी फेज 2 मेट्रो स्टेशन के पास, कुछ ही देर में हम यहाँ से निकल के चलते हैं फेज 2 पे सेक्टर 24 गुरुग्राम में। लो गाइस देख लो, आ चुका हूँ मैं। ओके गाइज, मेरे पीछे जो आपको ये कमर्शियल बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है साइबर हब। वो जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो उसे कहते हैं साइबर हब दोस्तों, देख सकते हैं। ये भी साइबर हब में आता है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर बात करी थी, ये जो साइबर हब है यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफे हैं, ये अभी बंद है। तो हम जा रहे हैं DLF साइबर हब, जो यहाँ से शायद वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आई थिंक 200-300 meters पर। हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ का मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ, जानकारी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये है साइबर हब है। दोस्तों तो फाइनली आ चुका हूँ करेक्ट लोकेशन पर, DLF साइबर हब में मैं आ चुका हूँ। और इसका जो करेक्ट लोकेशन का एड्रेस पड़ता है दोस्तों, ये मेरे आसपास आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग, ये एरिया आपको कवर करना है। सामने बिल्डिंग्स आ जाती है और ये आ जाता है DLF की मेन बिल्डिंग। सो हमें जाना है अभी सामने, और मैं इसका एड्रेस आपको कन्फर्म कर देता हूँ, जो कि होता है Tower 10 DLF फेज 2, और ये होता है Sector 24 गुरुग्राम। दोस्तों ये आपको एड्रेस लेके चलना है अपने घर से, वरना कोई भी आपको बताता है या आप गूगल लोकेशन से जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है गलत लोकेशन पे पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे DLF इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस चीज़ में। तो आइए चलते हैं अंदर।
दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ। देख सकते हो ये जो साइबर सिटी के मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट और कैफे हैं तो भाई साहब पूछिए मत। और आसपास की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ भाई लोग है दे दो भाई। तो भाई आसपास की जो लोकेशन है पूछो ही मत भाई, क्या नज़ारा दिखा देता। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो भी, देखो भाई क्या व्यू दिखाई दे रहा सामने टॉप पे बिल्डिंग से। और ये सामने साइबर हब, और ये आ जाती है DLF की बिल्डिंग, और वो है सामने साइबर सिटी की बिल्डिंग। और ये जितने भी आप देख सकते हो ना भाई, ये सारे लोकेशन। और यहाँ पर तुम्हारा भाई भी फाइनली यहीं पर ही मौजूद है। अभी चलते हैं नीचे, और ये आगे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर चलते हैं करते हैं शूट वहाँ का व्लॉग। सब क्या व्यू आ रहा है। सो भाई अभी आए हुए थे हम द बिग चिल रेस्टोरेंट में। अभी मैंने यहाँ से पता करा है, मालूम करा है कि यहाँ पे हम व्लॉग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी रेसिपी या कोई भी कॉफ़ी या टी लेते हैं व्लॉग बना सकते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने मना कर दिया कि कोई भी यहाँ पे हम नहीं बना सकते हैं व्लॉग। तो यहाँ से चलते हैं और नेक्स्ट रेस्टोरेंट में जाके वहाँ से डिटेल लेते हैं। जहाँ पर हम आपको दिखा सकें, फीडबैक दे सकें सारी चीज़ों का। तो अभी चलते हैं हम। भाई साहब यहाँ पर भी कुछ माहौल नहीं बन पाया बातचीत का, और जैसा कि मैंने बताया मुझे व्लॉग शूट करना था, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ करने नहीं दिया। तो चलते हैं आइए और आगे चेक करते हैं। दोस्तों देख सकते हो माहौल क्या हो रहा है। ये है DLF साइबर सिटी का, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है नाइट का व्यू आने लगा है। बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो लाइटिंग्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी यहाँ की। तो दोस्तों वेट करते हैं और चलते हैं किसी कैफे में, करते हैं शूट। भाई अभी जिस कैफ़े से मैं आ रहा हूँ वो था द बिग चिल। वहाँ पे मैंने क्या कैपेचिनो टेस्ट करा, उसका जो फीडबैक है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे कैफ़े में मतलब वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे क्या रहता मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और कुछ शॉट्स के ज़रिए अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाया ऐप को। तो उसके बारे में मेरा जो फीडबैक रहता मैंने वहाँ पर लिया था कैपेचिनो का जो फीडबैक है वो जो प्राइस था उसका लमसम ठीक ही था, लेकिन जो उसका टेस्ट था भाई ओसम। बट मैं आपको बता ही नहीं सकता उसके टेस्ट का ना बेस्ट था भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको द बिग चिल दिखा सकता हूँ, वो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो बिग चिल। Thank you.
सो गाइज अब तक जो यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं, यहाँ पे जो काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं गाइज, जो कि अभी मैंने ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कैंपिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे शू आ जाते हैं, पैंट, टी शर्ट, शर्ट्स और ये एक्टिविटी से काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर साइकिल का देख सकते हैं आप लॉन्च, वाओ गाइज, सो भाई साहब कहने ही नहीं है कुछ भी, वाओ। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कैंपिंग का सेट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी और काफ़ी अच्छे रेटों पर प्रोवाइड हो रहा है, देख सकते हो भाई। ये यहाँ पे शू है, सैंडल्स हैं और हाइकिंग शू आ जाते हैं पूरा, देख सकते हैं आप। और मैं ये बैग है भाई, ये बैग का रेट क्या है वैसे? ट्रिपल लाइन है, 12,000। तो ये ट्रिपल लाइन की लिख रखा है यहाँ पर, ट्रिपल लाइन ऑर्गेनाइजर। अच्छा ऑर्गेनाइजर, ये पूरा सेट होता है बैग के साथ ही राइट, जैसे बोटल्स और ये पूरा सेट 12,000। और जो कैंपिंग सेट है वो 2,400 रुपीज़ में, 2% क्या, 2% 2% के लिए 2,400 में। तो भाई ये कैंप है इसका देख सकते हैं, और मैं इसे आपको अंदर से दिखाता हूँ, इसमें 2,400 में 2% का क्या क्या फैसिलिटी देते हैं देख सकते हैं। ये चैन है, पूरा कैंप आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल में, और ये हमारा आ जाता है सोफ़ा जिसमें एयर सोफ़ा होता है, और ये ब्लैंकेट आ जाता है इसके साथ में, और पिलोज आ जाते हैं वो जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सोने में आपको पता ही नहीं चलने का कि आप जंगल में हो या आप शहर में हो। और इसके साथ जो मतलब इसके अलग जो सेकंड चीज़ें आती हैं वो आती हैं चेयर्स, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होती हैं, ये देख सकते हैं। और वो चेयर्स तो इसे चेक करते हैं बैठ के, यानी ठीक लग रही है चेयर, मेरा वजन संभाल सकती है, और वो भी चेयर्स हैं काफ़ी सारी। और ये बैग के प्राइस होते हैं यहाँ पे, जैसे ये बैग है छोटा बैग 499 में, और ये नॉर्मल बैग है 2,999 में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे साइकिल दिखाई थी था शायद वो 50,000 रुपीज़ की ओनली साइकिल थी, इलेक्ट्रिक बाइक से 2,499 में। और ये आपका कैंपिंग सेट है ऑसम। तो भाई साहब अभी निकलते हैं यहाँ से, और देता हूँ मैं बाहर का आपको निकलते दिखाते हैं अभी जहाँ पर मैं, ये भाई साहब DLF साइबर सिटी है, ये मैं आपको बता दूँ, और मैं वहीं पर हूँ, ये मॉल है यहाँ देख सकते हो भाई। तो गाइस अब निकलते हैं DLF साइबर सिटी से, और चलते हैं अपनी जो मेट्रो है सिकंदरपुर से, जो आपको इंटरचेंज करना पड़ता है साइबर DLF साइबर सिटी आने के लिए, नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहीं पड़ता है आपका। तो भाई गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जो भी मैंने आपको सिनेमैटिक्स एंड व्लॉग में दिखाया है, तो मिलते हैं फिर किसी और नए दिन और नई सुबह में दूसरे व्लॉग के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई वीडियो को ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी और नई नई जगहों को लेकर।